The second question is, what is the ultimate purpose of man? देखिए, जहाँ तक मैं समझा हूँ वो ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी, सबसे बड़ी बात है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, यानी इन अदर वर्ड्स अपने आप को वो इंसान बनाना जो पैराडाइज में रखा जा सके. पैराडाइज में जो लोग, जिनको एंट्री मिलेगी, वो लोग होंगे जो स्पिरिचुअली डेवलप्ड लोग होंगे, या अपने आप को जो प्योरीफाई किया होगा, 100% पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए उनको. देखिए, इस्लाम में यह है कि प्रैक्टिकल सेंस में आपसे कई गलतियां हो सकती हैं, तो उनको खुदा माफ कर देता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल पर या स्पिरिचुअल लेवल पर आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा. यानी स्पिरिचुअल लेवल पर और इंटेलेक्चुअल लेवल पर परफेक्शन के सिवा कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है खुदा के यहाँ. हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पर आप में कुछ कमियां हैं तो उसको खुदा माफ कर देता है. यह मैं समझ पाया हूं.